हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर फिजिक्स लैब. टुडे इन क्लास 12th वी विल परफॉर्म प्रैक्टिकल टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नाउन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम. यानी अपने को एक गैल्वेनोमीटर दिया जाएगा, उसका अपने को रेजिस्टेंस पता है, फिगर ऑफ मेरिट पता है, और उससे क्या करना है, हमें वोल्टमीटर में चेंज करना है. और किस रेंज में चेंज करना है, तो 0 से 3 वोल्ट की रेंज में ही नॉर्मली हम चेंज करते हैं. तो क्या क्या अपराटस अपने को चाहिएंगे, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर 0 से 3 वोल्ट रेंज का, और बैटरी एल्यूमिनेटर, और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और वन वे की कनेक्शन वायर और सैंड पेपर. और इन सभी को जो है हम इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे. और ये थ्योरी है, तो दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं. तो पहले सर्किट डायग्राम के अंदर ध्यान से देखिए. तो ये अपना क्या है, बैटरी है. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. जो अपनी बैटरी एलिमिनेटर होता है वहाँ इसको रेड कलर होता है, ये ब्लैक कलर होता है. और ये इसका सैम्बल, ये की लगी हुई है. और उसके बाद यहाँ क्या लगाया है, अपनों ने रियोस्टेट लगाया हुआ है. रियोस्टेट नॉर्मली अपन किस तरह से यूज़ में लेते हैं, और यहाँ पे अपन थोड़ा अलग यूज़ ले रहे हैं. तो ये मेरे पास रियोस्टेट है, तो देख पा रहे हैं इसके अंदर वैसे 3 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. तो अभी फ़िलहाल अपना जो प्रैक्टिकल है इसमें तीनों यूज़ में आएंगे. तो देख पा रहे हैं रियोस्टेट को मैं इस तरह से लगा दूंगा जब कनेक्शन करूंगा. तो ये वाला जो पॉइंट है नाइक्रोम वायर का स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है. तो आगे की सप्लाई के लिए क्या होगा, ये प्लस का काम करेगा. और ये इसका नाइक्रोम वायर का एंड पॉइंट जो है बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन आगे की सप्लाई हम यहाँ से लेंगे. ये वाला जो पॉइंट है बाहर से, जो अपना स्लाइडर है इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये आगे की सप्लाई के लिए नेगेटिव का काम करेगा. यानी ये नेगेटिव और ये अपना पॉजिटिव. और ये जो बीच में वायर लपटा हुआ होता है ये नाइक्रोम वायर होता है, और ये जो है अपने सर्किट में रेजिस्टेंस का काम करेगा, ताकि जो बैटरी है उससे जो वोल्टेज आ रही है और करंट आ रहा है वो यहाँ पे थोड़ा कंज्यूम हो जाए, और अपना वोल्ट मीटर और ये गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्यूज़ नहीं हो, इसको डैमेज नहीं हो कोई. तो देखिए आगे समझते हैं अपन. तो ये क्या हो गया, ये सिंपल ओम्स लॉ का सर्किट है, बैटरी है, की है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो और ये वोल्टमीटर भी लगा हुआ है. तो ये ओम्स लॉ सर्किट ही है एक तरह से. तो ये रेजिस्टेंस है और वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर वोल्टेज अपन इस वोल्टमीटर से नापते हैं. लेकिन ये एक्स्ट्रा अपनों ने वोल्टमीटर वो लगा दिया है, ये वोल्टमीटर नहीं है, ये अपनों ने जो कन्वर्ट किया है गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर अपनों ने लगाया है रेजिस्टेंस बॉक्स. तो ये अपना क्या है, एक्स्ट्रा कन्वर्टेड वोल्टमीटर है, और इसकी हेल्प से अपन मेज़र करेंगे कि कितना वोल्ट ये बता रहा है और एक्चुअल में कितना आ रहा है, और दोनों के बीच में कितना वेरिएशन है वो हम पता करते हैं कि अपना जो कन्वर्जन है वो कितना अच्छा है. तो थ्योरी के अंदर क्या है, सबसे सिंपल सी बात आपको तो पता ही है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं. तो वोल्टमीटर के अंदर चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, सीरीज के अंदर हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और अपना एमीटर के अंदर चेंज करने के लिए अपन पैरेलल के अंदर लो रेजिस्टेंस या शंट को लगाते हैं. और थ्योरी जो अलग है यहाँ लिखी हुई उसको थोड़ा समझते हैं. तो देखिए, मैक्सिमम करंट डेट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG से दिया जाता है, IG बराबर N इंटू K. अब यहाँ पे IG का मतलब तो पता ही है अपने को, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है. N का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं. तो नॉर्मली कितने होते हैं, 30 होते हैं एक साइड में. तो वही अपने को काउंट करना है, वन साइड में 30 और वन साइड में 30, तो डबल अपने को काउंट नहीं करना है. यानी वन साइड के अंदर कितने डिवीज़न है, 30. और K का मतलब क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट. तो फिगर ऑफ मेरिट पता करने के लिए अपनों ने हाफ रिफ्लेक्शन मेथड वाला प्रैक्टिकल को कर रखा है, वहाँ से अपनों ने फिगर ऑफ मेरिट ले रखा है, और अपने को एग्ज़ाम में दिया जाएगा, अपने को पता नहीं करना होता है. लेकिन अगर मैं पूछूं कि जो अपने को गैल्वेनोमीटर है उसका अपने को फिगर ऑफ मेरिट पता है, और अपन उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न देख सकते हैं एक साइड में, तो अपन ये बता सकते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम कितना करंट पास हो सकता है. क्यों, क्योंकि फिगर ऑफ मेरिट के का मतलब क्या होता है, एक डिवीज़न चलने के लिए जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो कितना करंट लेती है. तो जब अपने को पता है कि एक डिवीज़न उसके अंदर मोशन होने के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होता है, तो अपने को टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न पता है, तो उससे अपन क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं. तो अपने को पता चल जाता है कि जो मैक्सिमम उसके अंदर डिफ्लेक्शन है वो कितने करंट अपने उसके अंदर देने पर आ जाएगा. तो जब अपने को पता है मैक्सिमम करंट उसके अंदर इतना ही अपन दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर अपन करंट उसके अंदर देंगे तो उसकी नीडल ब्रेक हो सकती है. तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, IG कैलकुलेट कर लेंगे. अब अपने को IG पता है, और अपन क्या करेंगे, आगे अपन पता करेंगे कि जो अपन सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितना होगा. तो वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है. तो ये फॉर्मूला क्या है, R बराबर होता है V डिवाइड बाय IG माइनस G. अब यहाँ पे अपने को पता है V का मतलब क्या है,
किस रेंज के अंदर अपने को कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, और आईजी का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है, उसके बाद जी का मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा है ना समझ लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे जो करंट आ रहा है उसको बोलेंगे हम आईजी, और ये किससे पास होगा, ये गैल्वेनोमीटर से पास होगा, और ये अपना वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक्चुअल वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अपना रेजिस्टेंस और ये अपना वोल्टेज मेजर करेगा, और यहाँ पे क्या होगा रेजिस्टेंस से भी इसको जाना होगा। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा वो कितना होगा, करंट की वैल्यू अपने पास आईजी, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी वी का मतलब ये इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है ये मेजर कर रहे हैं। वी इज इक्वल टू आई का मतलब क्या हो रहा है, ये अपना गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा आई, और R का मतलब क्या होगा रेजिस्टेंस। ये जो मैंने डेडेस करके जो सर्किल बनाया इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G और अपना रेजिस्टेंस R, तो कितना हो जाएगा G प्लस R। ये सिंपल सा अपना इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से अपन क्या करना है, इस R को निकालना है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और अपन लिख देते हैं G प्लस R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई जी। सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका ट्रांसफ़र कर देता हूँ Z का, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V डिवाइड बाई आई जी माइनस Z। तो ये अपना फॉर्मूला इस तरह से अपनों ने ड्राइव कर दिया। तो यही रिलेशन था, इजीली हम समझ गए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही ये बनता है। तो इसको हम अपनी सीट पे चल के परफॉर्म करते हैं। यस, अब हम आ गए अपनी सीट पे। तो पहले हम देख पा रहे हैं कि सर्किट कनेक्शन किस तरह से हो रखा है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो सबसे पहले ये अपने पास बैटरी एलिमिनेटर है, और ये इसका प्लस और ये इसका माइनस। तो अपन क्या करते हैं, बैटरी के माइनस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये बैटरी का माइनस कहाँ जा रहा है, अपना की में जा रहा है, और की से ये माइनस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, जो रियोस्टेट है उसका जो नाइक्रोम वायर है उसका लास्ट पॉइंट पर ये कनेक्ट हो रहा है। देख पा रहे हैं ये नीचे से यहाँ पे कनेक्ट है, तो माइनस वाला कनेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। और प्लस की बात करते हैं, तो बैटरी का जो प्लस है वहाँ से अपनों ने कनेक्शन दे रखा है रियोस्टेट के नाइक्रोम वायर के फर्स्ट वाले पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे। और अब देख पा रहे ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, अपने आगे की सप्लाई के लिए प्लस का ही काम कर रहा है, और ये वाला जो अपना स्लाइडर होता है रियोस्टेट के अंदर, इसका जो ये टर्मिनल होता है ये अपने माइनस का काम करेगा। तो आगे देखना ध्यान से, तो ये जो अपना रियोस्टेट का प्लस वाला जो पॉइंट है इससे अपनों ने लगा रखे हैं वोल्ट मीटर, दोनों वोल्ट मीटर, यानी ये अपना रियल वोल्ट मीटर जिसमें भी लिखा है, और ये अपना कन्वर्टेड वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, तो क्या बन गया ये अपना कन्वर्टेड वोल्ट मीटर। तो ये दो वोल्ट मीटर अपनों ने लगा रखे हैं, ये अपना एक्चुअल रीडिंग बताएगा, और इसके अंदर जो रीडिंग बताएगा वो उसको हम कन्वर्ट करके पता करेंगे कि दोनों में कितना वेरिएशन आ रहा है और कहाँ पर अपनी दिक्कत या कोई कमी है। तो सिंपल से ये वोल्टमीटर किस तरह से लगा हुआ है, तो वोल्टमीटर का प्लस अपना रियोस्टेट के प्लस से लगा हुआ है, और वोल्टमीटर का जो माइनस है वो रियोस्टेट के जो अपना स्लाइडर होता है वहाँ कनेक्ट है। और सेम इसमें भी यही है, दोनों का प्लस कहाँ पे, इसके अंदर जो प्लस है वो एक साथ जुड़ गया, और इसका जो माइनस है वो अपना स्लाइडर का जो एंड पॉइंट है यानी माइनस के लिए यहाँ जोड़ दिया। तो इस प्रैक्टिकल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि जो हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे अपने को कितना रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। यस, तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले हमें कैलकुलेशन देखनी है। तो यहाँ पे अपने को गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है 112.23 यानी 112.23, और फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू अपने को पता है 0.4×0.2125 एम्पियर पर डिवीज़न, और गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट फ्लो हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला हमें को पता है आई जी इज इक्वल टू एन इन टू के। यहाँ पर एन का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर एक साइड में कितने डिवीज़न है, तो 30 डिवीज़न है, और के की वैल्यू अपन रख देते हैं और इसको इंटू कर देते हैं, तो अपने पास आई जी की वैल्यू आ जाती है 6.38×10⁻⁴ एम्पियर। और उसके बाद अपना जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस पता करने का, वी मतलब किस रेंज में अपने को कन्वर्ट करना है, तो 3 वोल्ट यहाँ पर 3 आ जाएगा डिवाइड बाई आई जी। आई जी अपनों ने अभी जस्ट देखा है, ये अपने पास आई जी, और उसके बाद आ जाता है जी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपनों को पता है 112.23। तो उसके बाद इन तीनों की वैल्यू अपन रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो
3 डिवाइड बाई 6.38 इंटू 10^-4 माइनस करना है अपने को 112.23, और यहाँ पे सोल्व करने पर फाइनली अपने पास रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4589.96 ओम। तो ये वाला ओम जो अपने को सीरीज में लगाना है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो अपने पास ये आ जाएगी 4590, यानी 4590 ओम अपन जो है सीरीज के अंदर लगा देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि हम 0.96 ओम तो यहाँ पे सीरीज में जोड़ नहीं सकते। और इसको हम अपन परफॉर्म करते हैं, तो आप देख पा रहे अपन इसको निकाल लेते हैं, तो पास से देखिएगा, तो यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं 4000, तो ये 2000 और ये 2000, कितना हो गया 4000, और उसके बाद अपने को निकालना है 590, तो 4000 और ये अपना हो गया 500, और उसके बाद 90 के लिए अपने को निकालना पड़ेगा 50 और 40, यानी 20, 60, 70, 80, 90। तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस 4590, यानी ये अपना 2 और 2 4, और ये अपना 500, और इधर 90 अपने को कैलकुलेट करना है, यानी 50, 70 और 20 अपना हो जाएगा 90। तो ये अपना हो गया 4590 ओम। और जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस अपने को पता है 112 के करीब ये इसका होता है। तो अब अपना जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, सिंपली अपन यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑन है और ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और यहाँ पे अपन इसकी वोल्टेज रख रहे हैं अपने हिसाब से 4 वोल्ट रख लेते हैं, वेरिएबल अपने पास बैटरी है। और ये जो देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो अपना कनेक्शन है, ये अपना बैटरी का ही काम करेगा, अपन यहाँ से भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2, 4, 6 वोल्ट अपन बदलेंगे तो इसके अंदर रीडिंग बदलेगी, लेकिन अपन क्या करेंगे स्लाइडर को मोशन कराएंगे तो इसके अंदर रीडिंग धीरे धीरे है ना 0.1 वोल्ट के करीब इसके अंदर रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो अपना जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर है, यानी ये दोनों, तो रीडिंग तो इसी में पढ़नी है, तो इसके अंदर क्या रीडिंग आ रही है और रियल के अंदर वोल्टेज कितनी आ रही है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को बदल बदल के रीडिंग नोट करेंगे। तो पास से अपन इसको नोट करते हैं, तो मैं इन दोनों को पास पास रख लेता हूँ इस तरह से, ताकि आप आराम से रीडिंग पढ़ सकें, और थोड़ा पास ही चल लेते हैं हम। यस, तो पास से देख पा रहे हैं ये अपना वोल्ट मीटर है, और ये एक्चुअल वोल्टेज बताएगा, और ये अपना कन्वर्टेड वोल्ट मीटर यानी गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस अपन ने लगा रखा है जो रिक्वायर्ड था। तो अपन प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको पहले रीडिंग पढ़ने के लिए लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना है, तो यहाँ देख पा रहे हैं 0 लिखा हुआ है, उसके बाद अपना 0.5 लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ डिवीज़न आ रहे हैं 10, तो यानी 10 डिवीज़न जो है 0.5 वोल्ट कवर करते हैं। तो एक डिवीज़न कितना हो जाएगा 0.5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो एक डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी 0.05 वोल्ट। मैथमेटिकली आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड करना है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ 0 और यहाँ मैक्सिमम कितना है 30 लिखा हुआ है, तो 30 डिवीज़न है ये, और ये कितने वोल्ट कवर करेंगे, तो ये 3 वोल्ट कवर करेंगे, यानी 30 डिवीज़न 30 डिवीज़न अपना 3 वोल्ट कवर करते हैं, तो एक डिवीज़न अपना कितना करेगा, तो 3 को जो है अपन 30 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा एक डिवीज़न की वैल्यू वोल्ट के अंदर 0.1 वोल्ट। तो ये इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। अब अपन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, यानी रीडिंग नोट करते हैं 4-5। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये जो अपना रियोस्टेट का स्लाइडर है इसको अपन थोड़ा सा आगे चलाते हैं, और वोल्ट मीटर के अंदर कुछ रीडिंग नोट और वोल्ट मीटर के अंदर कुछ रीडिंग लाते हैं। तो जैसे ही मैं इसको आगे चलाता हूँ, तो देख पा रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आना लग जाती है, तो मैं चलो यहाँ पे लाता हूँ 0.5 पे, तो देख पा रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आ रही है अपनी 0.5 वोल्ट, और अपना जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर यानी गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर कितने डिवीज़न आ रहे हैं, तो इसके अंदर अपना आ गए 5 डिवीज़न आ गए, यानी ये अपना कितना हो गया 5 डिवीज़न का मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज हो गई 0.5 वोल्ट, तो दोनों के अंदर रीडिंग हो गई 0.5 और अपना 0.5। तो फर्स्ट रीडिंग अब नोट कर लेते हैं, यानी वोल्ट मीटर अपना बता रहा है 0.5 वोल्ट, और कन्वर्टेड वोल्ट मीटर भी बता रहा है 0.5 वोल्ट, यानी दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, तो यानी अपना कन्वर्जन काफ़ी अच्छा है। आगे की रीडिंग अपन देखते हैं कि आगे कितना ये सही से रिजल्ट बताता है, तो मैं इसको आगे चलाता हूँ, तो इस तरह से चलो अपन इसको यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, अपनी इच्छा है कहीं पे भी हम रीडिंग ले सकते हैं, तो चलो अपन यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा और आगे चला के,
तो यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर एक्चुअल में बता रहा है 1 वोल्ट, यानी अगर अपन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं 1 वोल्ट और इसको लिस्ट काउंट से भी इंटू कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ पे हो गया 20 और इसको हम करेंगे 0.05 से, तो ये 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 1 वोल्ट मीटर में आ रहा है 1 वोल्ट, और अपना जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर है यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 डिवीज़न बता रहा है, तो इसको जब हम 0.1 से इंटू करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। यानी अभी तक तो अपना काफ़ी अच्छा चल रहा है, सेकेंड रीडिंग में भी क्या आ रहा है 1 वोल्ट पे बता रहा है 1 वोल्ट। थर्ड रीडिंग हम लेते हैं, चलो इसको हम आगे चलाते हैं स्लाइडर को, तो आगे चलाने पर देख पा रहे हैं यहाँ पे ले लेते हैं हम जहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो वोल्ट मीटर में बता रहा है 1.5 वोल्ट, और इधर भी देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना 10 और 20 के बीच में यानी 15 डिवीज़न, यानी उतना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो थर्ड रीडिंग भी अपनी सेम आ गई, 1.5 वोल्ट पर अपना बता रहा है 1.5 वोल्ट। तो हम फोर्थ रीडिंग लेते हैं यानी 2 वोल्ट पे ले लेते हैं, तो वोल्ट मीटर में हम लाते हैं 2 वोल्ट। चलो वोल्ट मीटर में एक्चुअल आ गया है 2 वोल्ट, बस तो वोल्ट मीटर में 2 वोल्ट आ गया है। तो अपना जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर है यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर 20 डिवीज़न आ रहे हैं, तो कितनी हो गई इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 20 डिवीज़न को 0.1 से, तो ये कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। तो दोनों में अपना सेम ही चल रहा है, तो मैं नोट कर लेता हूँ 2 वोल्ट पे 2 वोल्ट। तो 4 रीडिंग हो गई, एक रीडिंग और आगे लेते हैं, चलो इसको आगे अपन चलाते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 2.5 वोल्ट पे देख पा रहे हैं, हाँ यहाँ लेता हूँ मैं, तो 2.5 वोल्ट पे अपना कितना आ रहा है, चलो यहाँ देखते हैं। हाँ तो 2.5 वोल्ट जब अपना वोल्ट मीटर बता रहा है वोल्टेज, तो यहाँ पे कितना बता रहा है कन्वर्टेड के अंदर, ये 24 और 25 के बीच में आ रहा है, तो अपन चलो यहाँ पे ले लेते हैं 25 ही लेते हैं डिवीज़न, तो यानी इसको हम 2.5 ही नोट करते हैं। तो 2.5 पे अपना कितना आ रहा है 2.5 वोल्ट आ रहा है। लास्ट रीडिंग को ले लेते हैं 3 वोल्ट पे, तो जब वोल्ट मीटर के अंदर 3 वोल्ट बताएगा, देख पा रहे हैं अब 3 वोल्ट बता रहा है, तो अपना जो ये गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर 1 डिवीज़न कम आ गया, 29 डिवीज़न ही आ रहे हैं। तो वोल्ट मीटर में अपना 3 वोल्ट बता रहा है, और ये अपना कन्वर्टेड जो वोल्ट मीटर है यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर आ रहा है कितना आ जाएगा 29 को जब हम 0.1 से इंटू करेंगे, तो 2.9 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ भी इरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपना 3 वोल्ट पे आ रहा है 2.9 वोल्ट। तो अपना लास्ट वाली रीडिंग थोड़ी सी है ना गलत है, यानी गलत ही नहीं बोलेंगे इसको, तो अपनी लास्ट रीडिंग में चेंज है, बाकी रीडिंग अपनी सेम है। तो जो भी रीडिंग आएगा अपन नोट कर लेना है, और इसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर नोट करते हैं। यस, तो हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनानी है। तो अपना सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने 6 ऑब्जर्वेशन लिए, और पहले हम अपना जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर है तो उसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो लिख रहे हैं, यानी रीडिंग ऑफ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, इसको बोलेंगे हम V1। तो पहले हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन उसके अंदर कितने आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डिवीज़न नोट करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट यानी वोल्टेज कितना आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे लिस्ट काउंट से इंटू करेंगे। तो लिस्ट काउंट कितना था अपना कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर का 0.01 से इंटू करेंगे, और फिर उसके बाद अपना स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर, और इसका लिस्ट काउंट अपने पास कितना था 0.05 था, और नंबर ऑफ डिवीजन्स इंटू करने पर अपना रीडिंग आ रही थी, और हमने तो सिंपल रीडिंग ही नोट की, इसलिए डायरेक्ट रीडिंग भी लिख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं फर्स्ट अपनी रीडिंग आई थी 5 डिवीज़न, और इसको इंटू करेंगे तो 0.5 वोल्ट, और इधर भी अपना 0.5 वोल्ट, और इरर कितनी आई थी यानी दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा था, सेकेंड भी अपने पास 10 डिवीज़न यानी 1 वोल्ट पे 1 वोल्ट आई और 0 डिफरेंस, उसके बाद 1.5 वोल्ट पे 1.5 वोल्ट 0 डिफरेंस, 2 वोल्ट पे 2 वोल्ट 0 डिफरेंस, और यहाँ पे 2.5 वोल्ट पे 2.5 वोल्ट, यानी कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं था, कोई इरर नहीं, और लास्ट रीडिंग के अंदर डिफरेंस आ रहा था यानी अपना कन्वर्टेड वोल्ट मीटर यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर 29 डिवीज़न आ रहे थे, तो वोल्ट कितना हो गया 2.9 वोल्ट, और यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है उसके अंदर रीडिंग आ रही थी 3 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पे इरर आई अपनी, तो फाइनली देखा जाए तो अपनी इरर बहुत कम है और बिल्कुल सेम रीडिंग आ रही है, यानी अपना कन्वर्जन जो है काफ़ी अच्छा है। तो बड़े आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।